नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती जिले में हिंसा और मुठभेड़ के बाद नागपुर में हाई अलर्ट, 5 से अधिक लोगों को जमा होने से बंदी। गढ़चिरौली में C-60 जवानों से नक्सली मुठभेड़, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। और 19 से 21 नवंबर तक ड्रैगन पैलेस का वर्धापन दिन समारोह का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। अमरावती में हुई हिंसा और गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ की घटना के बाद नागपुर सहित आसपास के शहरों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। नागपुर तथा गढ़चिरौली रेंज की सुरक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे ADG ट्रैफिक डॉक्टर BK उपाध्याय ने रविवार को हालत का जायजा लिया। किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए पुलिस अपराधी और अफवाह फैलाने के लिए चर्चित लोगों की पहचान कर उन्हें हवाला भेजने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। पाँचपावली से शांतिनगर के बीच 10 किलोमीटर का रूट मार्च निकाला गया। पुलिस ने फूल भी बांटे। घटना के बाद से सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उपद्रव की वजह से पहले चर्चा में आए शहरों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अतिरिक्त महासंचालक दर्जे के अधिकारियों को अलग अलग आयुक्तालय तथा रेंज की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर उपाध्याय शहर नागपुर तथा गढ़चिरौली रेंज का दायित्व सौंपा गया है। वे शनिवार शाम ही नागपुर पहुंच गए। उन्होंने रविवार दोपहर पुलिस आयुक्त मितेश कुमार, सहायुक्त अश्वती दोरजे, IG रेंज छेरिंग दोरजे तथा ग्रामीण अधीक्षक विजय मगर से सुरक्षा उपायों को लेकर चर्चा की। गढ़चिरौली जिले के कोरची तहसील के कोटगुल व 11 पत्ती जंगल परिसर में नक्सलियों का बड़ा कैंप होने की गुप्त जानकारी पुलिस दल को मिली, जिसके आधार पर पुलिस के C-60 जवानों ने उक्त जंगल परिसर में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस व नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर करते हुए नक्सलियों का कैंप उध्वस्त किया है। पुलिस दल द्वारा की गई ये कार्रवाई इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सीमा से सटे 11 पत्ती कोटगुल जंगल परिसर में नक्सली सक्रिय होकर बड़ा कैंप आयोजित करने की गुप्त जानकारी जिला पुलिस दल को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर शनिवार 13 नवंबर को सुबह के दौरान जिला पुलिस दल के विशेष अभियान दल के जवान उक्त जंगल परिसर में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे। इस दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक पुलिस जवानों की दिशा में अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस जवानों ने भी नक्सलियों पर फायरिंग की। ये मुठभेड़ देर शाम तक चलती रही। इस दौरान नक्सली घने जंगल का लाभ उठाते हुए भाग गए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर 26 नक्सली ढेर हुए हैं। इसी के साथ साथ मुठभेड़ में 3 पुलिस जवान भी घायल हुए हैं। उन्हें उपचार हेतु नागपुर रेफर किए जाने की जानकारी है। विगत वर्षों में पुलिस दल निरंतर नक्सलियों पर हावी हो रहा है। इस वर्ष भी जिला पुलिस दल नक्सलियों पर हावी है और आज की ये कार्रवाई इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बड़ी मात्रा में नक्सल साहित्य जब्त। 11 पत्ती कोटगुल जंगल परिसर में सुबह से शाम तक पुलिस व नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस दल ने नक्सलियों का बड़ा कैंप ध्वस्त करते हुए नक्सलियों को बैकफुट पर खदेड़ा है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर किए गए सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ नक्सल साहित्य भी जब्त करने की जानकारी है। गढ़चिरौली जिले के जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में गढ़चिरौली पुलिस के 4 जवान भी घायल हुए हैं। इन घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से नागपुर लाया गया। यहां पर ऑरेंज सिटी अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जवानों को भर्ती किया गया। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी जवानों को गोली लगने की वजह से आगे के इलाज के लिए यहां भर्ती किया गया है। गढ़चिरौली से हेलीकॉप्टर से उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। वहां से उन्हें ऑरेंज सिटी अस्पताल लाया गया। फिलहाल सभी जवानों की हालत पर नजर रखी जा रही है। सबको अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया है। कामठी ड्रैगन पैलेस टेम्पल द्वारा आगामी 19 से 21 तारीख तक वर्धापन दिन महोत्सव मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ड्रैगन पैलेस का वर्धापन दिन मनाया जाता है, जिसके तहत इस बार भी 19 से 21 नवंबर तक वर्धापन दिन समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा ताई कुंभारे ने दी। दर वर्षी कार्तिक पूर्णिमेच्या पावन पर्वावर विश्वविख्यात शांती शिल्प ड्रैगन पैलेस टेम्पलचं वर्धापन दिन आम्ही साजरा करीत असतो। या वर्षी ड्रैगन पैलेस वर्धापन दिनानिमित्त
शुक्रवार दिनांक 19 नोव्हेंबर ते रविवार दिनांक 21 नोव्हेंबर पर्यंत ड्रॅगन पॅलेस वर्धापन दिन महोत्सव आम्ही आयोजित करीत आहोत. यामध्ये प्रामुख्याने कार्तिक पौर्णिमेला सकाळी 10:30 ड्रॅगन पॅलेस या ठिकाणी विशेष बुद्ध वंदना व धम्मदेसनेचा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये कुशीनगरमधून आमचे पूज्य भंतेजी ज्ञानेश्वर महाथेरो हे उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्यासोबत भिक्षू संघसुद्धा उपस्थित राहील. उपस्थित भिक्षू संघाला भोजनदान व चिवरदानसुद्धा देण्यात येईल. या ड्रॅगन पॅलेस महोत्सवाच्या निमित्ताने 19 ते 21 तारखेपर्यंत सायंकाळी 6:30 ते 9:30 विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, ज्यामध्ये मुंबईचे कलाकार तसेच नागपूर विभागातील विविध कलाकार या ठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतील. नागपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर में 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक नए मतदार पंजीयन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा आह्वान नागपुर की जिलाधिकारी आर विमला ने किया है. जिलाधिकारी आर विमला ने एक वीडियो संदेश जारी रखते हुए जनता को जन जागृत करने की कोशिश की है. नमस्कार, मैं आर विमला, नागपुर की जिलाधिकारी. 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक हमने मतदान नोंदी का जो एनरोलमेंट का मुहिम शुरू किया है और मेरी आप सबसे विनंती है कि इस दौरान जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष के होने वाले हैं या जिनका जन्म 31 दिसंबर 2003 के पहले हुआ है, ये अपना नाम मतदार कहकर दर्ज करा सकते हैं. 13 और 14 नवंबर को और 27 और 28 नवंबर को हम विशेष मुहिम ले रहे हैं. अगर आप इसका भी वहाँ पर जाना भी नहीं चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी वोटर ऐप के द्वारा आपका नाम एनरोल कर सकते हैं. मेरी आप सबसे विनती है कि इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपना नाम वोटर कहके दर्ज कराएं और जो हमारी प्रक्रिया है इलेक्शन की इसकी इसमें बहुत बड़े संख्या में इसमें सहभागी हुए. धन्यवाद. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. महानगर पालिका व ऑरेंज सिटी वाटर की ओर से इस बार भी जल कुंभ स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है. इसके कारण लकड़गंज जोन में आगामी 15 से 19 नवंबर तक विभिन्न जल कुंभों से जलापूर्ति बंद रहेगी. आज सोमवार 15 नवंबर को सुभान नगर जल कुंभ, 16 को लकड़गंज जल कुंभ, 17 को भांडेवाड़ी जल कुंभ, 18 को मिनी माता नगर जल कुंभ और 19 नवंबर को लकड़गंज जल कुंभ की स्वच्छता की जाएगी. स्वच्छता कार्य के दौरान इस जलकुंभ से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी. नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर द्वारा नागरिकों से पानी का उपयोग जरूरी हो तो ही करने की अपील करते हुए सूचना दी गई है. नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर द्वारा सालाना पानी की टंकियों की साफ सफाई का काम शुरू किया गया है. इस मुहिम के अंतर्गत नागपुर शहर की जितनी भी पानी की टंकियाँ हैं, जिन्हें हम लोग ESR कहते हैं और मास्टर बैलेंसिंग रिजर्वायर MBR जिसे हम लोग कहते हैं और सम्प
जो ग्राउंड लेवल पे टंकी होती है वो, इन सारी टंकियों की साफ़ सफाई का काम हम लोग सालाना करते हैं, उसका काम इस बार शुरू हो चुका है। एक दो जोन के काम हो चुके हैं और बाकी जोन में अभी ये काम नियमित रूप से किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर की इसके लिए एक स्पेशल टीम है और एक स्पेशल मशीन OCW और नागपुर महानगर पालिका ने बनाई है, जिसमें एक दिन में ही यानी कुछ घंटों में, 8-9 घंटों में एक पानी की टंकी जो 25 फीट ऊपर है, एक पानी की टंकी वो साफ़ हो जाती है। इसके द्वारा ज़्यादा लोगों को तकलीफ भी नहीं होती है। एक आध दिन का हमको शटडाउन लेना पड़ता है, मगर पानी की टंकी साफ होती है, इसलिए आपके घरों तक पानी भी, पीने का पानी अच्छी तरीके से आता है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कंगना रनौत द्वारा देश को मिली आज़ादी पर दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ शुक्रवार को आम आदमी पार्टी द्वारा सीतामढ़ी स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। विदर्भ संयोजक देवेंद्र वानखेड़े के नेतृत्व में पार्टी ने कंगना पर देशद्रोह की धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कंगना ने एक न्यूज चैनल पर आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि 1947 में देश को मिली आज़ादी भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 को मिली है। इसके बाद कंगना के बयान का विरोध किया जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वानखेड़े ने कहा कि जिस आज़ाद देश में उन्हें पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है, वह उसी देश के शहीदों का अपमान कर रही है। उनकी शहादत से ही देश को आज़ादी मिली, जिसे वह भीख बता रही है। आज़ादी की लड़ाई में कई महापुरुष शामिल हुए, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, हजारों शहीद हुए, ऐसी आज़ादी को कंगना भीख बता रही है। ये बात यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहता तो इसे अज्ञानता माना जा सकता था, लेकिन जिसे मोदी सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया वह ये बात करे तो बेहद निंदनीय है। ये देशद्रोह वाला बयान है। वानखेड़े ने कहा कि कंगना को अवार्ड मिले 2 दिन भी नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी मन की बात कह दी। इससे साफ है कि वह इतने बड़े सम्मान के हकदार नहीं है, ऐसे में उन्हें स्वयं अवार्ड वापस कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारी सरकार मांग करती है कि कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस लिए जाए, साथ ही उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर कानूनी दायरे में सख्त कार्रवाई की जाए। एक और महात्मा गांधी के हत्यारों को फूलमाला चढ़ाई जाती है तो दूसरी तरफ आज़ादी को भीख बताते हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही करते हुए सजा दिलानी चाहिए, तभी देशद्रोही बयानों पर लगाम कसी जा सकेगी। अपन सगळ्यांना माहित आहे 2 दिवसापूर्वी कंगना रनौत यांना पद्मश्री अवार्ड मिळाला आणि हा अवार्ड मिळाल्यानंतर त्यांनी काल जे स्टेटमेंट केलं की देशाला 1947 आज़ादी मिळाली नसून ती भीक होती, हे जे सेंटेन्स आहे हे फारच निंदनीय आहे। कारण की देशाला लढाई, देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्याकरता हजारो लोकांनी आपलं बलिदान दिलं आहे, हजारो क्रांतिकारी या आज़ादीच्या लढाईमध्ये सहभागी होते, अनेक महापुरुष या लढाईमध्ये सहभागी होते आणि मोठ्या संघर्षानंतर 150 वर्ष संघर्ष केला लोकांनी, त्यानंतर आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं। आणि एखादी व्यक्ती आणि रस्त्यावरची व्यक्ती किंवा सामान्य व्यक्ती नाही, ज्या व्यक्तीला पद्मश्री अवार्ड मिळाला अशी व्यक्ती जर म्हणत असेल की ही आज़ादी हे खरं स्वातंत्र्य नव्हतं, खरं स्वातंत्र्य आम्हाला 2014 मिळालं, हे फारच दुःखाची आणि देशद्रोहाची गोष्ट आहे। म्हणून आम्ही आज पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन इथे त्यांच्याविरुद्ध कंप्लेंट दाखल केली आहे, त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवला गेला पाहिजे। त्यांना जो अवार्ड देण्यात आला तो अवार्डसुद्धा देण्याच्या लायक त्या नसल्यामुळे तो अवार्डसुद्धा परत घेण्यात यावा, आणि त्यांनी परत जर करते स्वतः परत करत नसतील सरकारनी त्यांच्याकडून तो अवार्ड काढून घ्यायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे, यासाठी आज आम्ही इथे बर्डी पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवली आहे। बिलकुल अपमान आहे आणि अपमान आहे एवढंच म्हणून चालणार नाही, म्हणजे हा देशद्रोहच आहे खरं तर। म्हणजे इंग्रजांच्यापेक्षाही वाईट जर कोणी वागत असेल आत्ता देशामध्ये तर हे कंगना रनौतसारखे लोक वागत आहेत। या लोकांना जोपर्यंत सजा होणार नाही हे लोक असेच बोलत राहतील। म्हणजे एकीकडे गांधीजींचा खून करणाऱ्यांची जयंती मनवायची किंवा त्यांना माला घालायच्या आणि एवढ्या मोठ्या आज़ादीच्या लढाईला भीक म्हणून जर कोणी संबोधित असेल त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे। नागपूर जिले के मौदा के DD भोयर कला व विज्ञान महाविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन राज्य के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार द्वारा रविवार को किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। उद्घाटन के दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्री सुनील केदार ने कहा कि कोरोना के समय स्थिति काफी भयावह थी, बावजूद इसके शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षकों का वेतन जारी रखा। इतने भीषण समय में किसानों ने अपना कार्य जारी रखा और पूरे देश में अनाज की किल्लत नहीं होने दी।
बावजूद इसके किसानों के हालात ठीक नहीं है और केंद्र सरकार किसानों की मांगों की ओर अमल नहीं कर रही है। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापक अनिल वासनिक ने, प्रास्ताविक सचिव डॉक्टर सतीश भोयर व आभार प्रदर्शन प्राचार्य डॉक्टर संजय खुदड़े ने किया। इस दौरान कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वालों का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम को पूर्व जिला परिषद सदस्य तथा शिवसेना उपजिला प्रमुख देवेंद्र गोडबोले, बबीता ताई साठव ने, नगर सेविका वैशाली चौहान, अंजन गांव की सरपंच नीता पोटफोड़े, पंचायत समिति सदस्य सोनू कुथे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता खुशाल राव सिंगन जुड़े मान्यवरों की उपस्थिति रही। नुकताच झालेला कोरोनामध्ये असलेला उपक्रम कोरोनामध्ये सगळ्यांनी धायधाय करून टाकलेला आहे। अशा याच्यातील या कोरोनाच्या काळानंतर तुम्ही आम्ही सगळेजण सावरून कामाला लागलेलो आहे। कोरोनाच्या ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट आवर्जून शिकलो सगळेजण की माणुसकी कशाला म्हणजे त्या ठिकाणी। कोरोनाच्या काळामध्ये आम्ही सगळ्यांनी ते चित्र पाहिलेलं आहे जिची कोणी विचारही केला नव्हता। सगळीकडे त्या ठिकाणी असलेलं जग शांत झालं होतं। गोरख गरीब लोकांचे हाल अपेष्टा होत्या पण अशा याच्यामध्ये जेला जसं जमलं तसं कोणी त्याने खानावळा सुरू केल्या, कोणी कोणाला आर्थिक मदत केली, कोणी कोणाला कामाची मदत केली, कोणी कोणाला सांभाळून घेतलं, असलं नसलं देऊन त्या ठिकाणी बाजूच्या माणसाला त्या ठिकाणी असलेल्या माणुसकीच्या नात्यानं मदत करण्याची भूमिका कोरोनाच्या काळामध्ये सगळ्यांनी केलं आहे। पिछले वर्ष की तुलना में सक्करदारा चौक का विकास हुआ है। चौक पर उड़ान पुल बन गए, क्षेत्र में सीमेंट की चौड़ी सड़कें बन गई। इसके बाद भी समस्या जस की तस है। त्योहारी सीजन में चौक परिसर किसी बाजार में तब्दील हो जाता है। सीमेंट सड़कें बनने के बाद फुटपाथ पर वाहनों की पार्किंग और ठेले वालों ने कब्जा कर लिया है। पुल के नीचे अब भी असामाजिक तत्वों का अड्डा जमा रहता है। प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने का ही नतीजा है कि अब समस्या गंभीर होती जा रही है। त्योहारों के सीजन में समूचे चौक पर अतिक्रमण हो जाता है। फल फूल पूजा सामग्री वाले कब्जा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, डिवाइडर तक को नहीं छोड़ते। पिछले दिनों गजानन चौक तक सीमेंट रोड बनाया गया। चौड़ा रोड होने से ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाना था लेकिन स्थिति विपरीत दिखाई दे रही थी। दुकानदार पार्किंग तक अपना सामान बिखेर देते हैं। इस हालत में यहाँ वाले ग्राहकों को सड़क पर पार्किंग करना पड़ता है। शाम के वक्त तो यह नया सीमेंट रोड महज 3-4 फीट का ही रह जाता है। किनारे वाले हिस्सों में वर्षों से जमे ठेले धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। दिवाली के वक्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। छोटा ताजपाक के मार्ग पर फुटपाथ तक दुकानें फैलाने वालों को शेड तोड़े गए लेकिन अगले दिन फिर से वही स्थिति हो गई। अब भी इस पूरे परिसर में फुटपाथ चलने लायक नहीं है। कहीं ठेले वाले तो कहीं दुकानों के फलक लगाए गए हैं। ये तय है कि अब इसके बाद सड़क चौड़ी नहीं हो पाएगी। इस हालत में प्रशासन को हॉकर्स का नियोजन करना होगा ताकि भविष्य में सक्करदरा की हालत भी महल जैसी न हो जाए। चौक पर प्रतिमा के पास ऑटो वालों ने अघोषित स्टैंड बना लिया है। वहीं सामने वाले हिस्से में दुकानें होने के बाद भी ठेले वाले सड़क पर फल की दुकानें लगाते हैं। तो सुबह के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।